नमस्कार, मैं पुष्पा जांगिड पुष्पाज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और दीपावली के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ लक्ष्मी जी के भोग के लिए चाशनी के चावल और मोगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल बटन दबाना भी याद रखें। फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं मोगर चावल में। सबसे पहले मोगर की तैयारी से। मोगर के लिए हमने एक बड़ा साइज का टमाटर काट लिया है। मैं ये कुकर में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कुकर में डालूंगी तेल। अगर आप चाहो तो ये टोप में भी बना सकते हो, पर उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तेल मेरा गर्म होने के बाद मुझे डालना है जीरा। जीरा चटकने के बाद मैं डाल दूँगी उसमें हरी मिर्च जो मैंने मोटी काटी है, आप उसे एकदम बारीक भी काट सकते हो। अब ये मिर्ची अच्छे से चटकने के बाद मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। मैं हींग डालना भूल गई, आप इसमें हींग भी डाल सकते हो। तेज पत्ता, 5 से 6 लौंग, सब मिक्सरण को मैं हिलाकर अब मैं डालूंगी घिसी हुई अदरक। हींग हरी मिर्च के टाइम ही डाल दीजिए, तेल में अच्छे से भुनने के बाद हींग का स्वाद अच्छा आता है। अब डाल दी हल्दी, लाल मिर्च, नमक। सब मिश्रण को हिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए टमाटर। टमाटर की जगह आप इसमें और कोई दूसरी चीज़ ना डालें, क्योंकि टमाटर से ही मोगर का स्वाद अच्छा आता है। ये गरम मसाला डाला है थोड़ा सा। हल्का भुनने के बाद, हल्का तेल छोड़ने के बाद मैं इसमें हमारी 1 घंटा भीगी हुई मूंग की दाल, 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें वो पकाने में गलानी नहीं है, इसलिए मैंने इसको 1 ही घंटा भिगाई है। अब मैं ये टमाटर भुनने के बाद दाल कुकर में डाल दूंगी। कलर देखिए कितना सुंदर आया है। पानी मैंने जो मेजरमेंट दिया उसी हिसाब से डालिए, ज़्यादा मत डालिए। ध्यान रहे पानी डालने के बाद मुझे ये कुकर की सीटी पूरी नहीं भरनी है, सिर्फ और सिर्फ हवा भरते ही मुझे गैस बंद कर देना है, क्योंकि हमने ये कम पानी में पकाया, क्योंकि मोगर मुझे खुला खुला चाहिए, तो आप सीटी ना भरें। अब मैं उबालने के लिए ले रही हूँ चावल। चावल को मैंने पानी उबालने रखा है नमक डालकर। फूड कलर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि दिवाली के दिन वाइट कलर शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप और कोई दिन खा रहे हो तो फूड कलर ना इस्तेमाल करें, आप बिना कलर के भी बना सकते हो। पानी मेरा उबलने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें फूड कलर। फूड कलर के साथ ही मैं अब इसमें हमारे जो चावल अच्छे से धोए हुए हैं वो तुरंत डाल दूंगी। इन्हें ज़्यादा देर भिगाना नहीं है वरना चावल टूट जाएंगे। कलर आने के बाद मैंने ढक्कन बंद कर उबलने का इंतज़ार किया है। उबलने के बाद मैं चेक करूंगी कि ज़्यादा मेरे चावल ना गले, कड़क कड़क हो। ये थोड़े कड़क है, अब थोड़ी सी देर में इन्हें और उबालूंगी। ढक्कन बंद कर चावल हमारे पक गए। चलनी में मैं एक्स्ट्रा पानी निकाल कर गरम गरम मैं चावल में ही मैं शक्कर मिलाऊंगी। गरम गरम चावल में शक्कर मिलाने से ही हमारी शक्कर चावल के साथ पिघल कर एक तरह की चाशनी बन जाएगी। अगर ये ठंडे में मैंने मिलाया तो ये चाशनी नहीं बनेगी, वो दूसरे स्टाइल से बनाने के हैं जो चाशनी के साथ बनाते हैं। ये एक और स्टाइल है जो मैं ये गरम चावल के साथ शक्कर मिलाकर बनाना सिखाऊंगी आपको, ये कुछ नया है। हल्के हल्के हाथ से मैंने ये चम्मच से मिलाए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अगर मैंने ज़ोर से मिलाया तो मेरे सारे चावल जो सीजे हैं, मतलब जो सॉफ्ट बनकर मैंने सिजाए हैं, वो टूट जाएंगे। हल्की हल्की शक्कर मुझे ये कम मिली हुई दिख रही है, तो मैंने हाथ का इस्तेमाल करके मिला लिए हैं ताकि हमारे चावल साबुत रहे। गरम घी में मैंने तेज पत्ता तोड़कर डाल लिए हैं। आखे तेज पत्ते में स्मेल थोड़ी कम आती है, इसलिए मैंने थोड़े तोड़कर डाल लिए। 5 से 6 लौंग डाली है। अब मेरे ये मिक्स किए हुए चावल में वो छौकन में गरम घी में मैं डाल दूंगी। सारे चावल मैंने पैन में डाल दिए।
अब मैंने हल्के हाथ से हिलाकर जो साइड का जो पानी है, जो चाशनी है हमारी शक्कर की, वो इसके साथ ऑब्जर्व होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं पैन ढककर पकाऊंगी ताकि पूरे चावल हमारे अच्छे से मिठास पकड़ ले। हल्के हाथ से ये मैंने हिलाए हैं। अब मैंने इलायची डालकर गैस बंद कर दिए। तैयार है हमारे चाशनी के चावल। अब मैं करूंगी प्लेटिंग। सबसे पहले मोगर खोलूंगी। आप चाहो तो ये टोप में बनाओगे, टोप में बनाओगे तो आपको बार बार संभालना पड़ेगा। बगैर संभाले देखिए हमारा मोगर कितना बढ़िया तरीके से कुकर में बनके तैयार हुआ है, एकदम खुला खुला। चावल भी हमारे बहुत अच्छे से खुले खुले हैं। पूरी पूरी शक्कर है, बिल्कुल कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। मैंने इनको गार्निश किया है बादाम से। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो। तैयार है हमारे मोगर चावल। धन्यवाद।